हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए ट्रेवो चालू हुआ था और ट्रेवो में हम लोग पढ़ रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन तो त्रिकोणमिति चालू हुआ था बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए है और उस एक यूनिट उठाए थे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज के प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। ये जो बुक है आपके पास, दो बुक में से कोई एक बुक होना चाहिए, जैसे लालजी प्रसाद अब प्लस क्या है दास गुप्ता के बुक से चालू है। ठीक है, ये लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता दोनों बुक है, दोनों बुक से आप सब देख सकते हैं, किसी एक बुक करके ले लीजिए और बाकी आपका सॉल्व होगा। अभी हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन को पूरा थ्योरी पढ़ लिए हैं और एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो आप क्लास में बने रहे हैं और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक क्या दिया है कि कॉस अल्फा प्लस अवेटा बीटा इक्वल टू दे रखा है, प्रूव दैट। पहला क्या है कि साइन फाइ इक्वल टू ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आना चाहिए और दूसरा क्या कि साइन फाइ इक्वल टू क्या है माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आना चाहिए। यही चीजें है ना, देखिए सॉल्व इसको कीजिए। गिवन दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस पाई प्लस अवेटा साइन क्या है पाई है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया जाए यहां से, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस लिखेंगे ना, इसको अवेटा बीटा बीच में क्या होगा माइनस के, ये प्लस है तो बिल्कुल क्या होगा माइनस हो जाएंगे और इसको लिखेंगे साइन अल्फा साइन अवेटा बीटा इक्वल टू ये हुआ कॉस फाइव प्लस अवेटा साइन फाइव। ये कर लेंगे, इस वाले को हाइपरबोलिक पे हम लोग चेंज करेंगे, जब भी अगर कॉस अवेटा एक्स है तो इसको लिखा जाता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन अवेटा एक्स को लिखा जाता है अवेटा साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखा जाता है ना। ये हुआ कॉस अल्फा, इसमें कॉस हाइपरबोलिक बीटा देंगे, इस वाले के लिखेंगे तो अवेटा लग जाएगा, अवेटा को हमने आगे लिखा साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस फाई प्लस अवेटा साइन फाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेटिंग करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग किया जाए। तो यहां से यही बना कि कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू कॉस फाई बन गया ना, बात समझ में आ रहा है ना। उसके आगे हम लोग चलते हैं एंड ये देखिए अवेटा से अवेटा कटेगा तो ये तो माइनस होगा, ये मिलेगा माइनस साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे साइन फाइ लिखेंगे। यहां से एक काम कर लेते हैं, ये क्या बोला है कि साइन फाइ इक्वल टू इतना आना चाहिए, हम लोग यहां से एक चीज निकाल लेते हैं। देखिएगा अगर हम कॉस ना हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू लिखेंगे ये हुआ कॉस फाइव बटा कॉस अल्फा हो जाएगा और इसी तरह से यहां भी लिखेंगे कि साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू ये हुआ साइन फाइव बटा माइनस क्या आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। अब सिंस एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं अगर कॉस अल्फा भी यहां निकाल देते हैं और भी हम लोग लिख सकते हैं, यदि आपको कॉस अल्फा चाहिए तो इसको लिखेंगे कॉस फाइव बटा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, उसी तरह से यहाँ पे साइन अल्फा हमको चाहिए तो साइन अल्फा इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, साइन अल्फा निकालेंगे ये चला जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे साइन फाइव बटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है,
अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो सीन्स में लिखा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। थीटा तो नहीं है लेकिन अल्फा और अल्फा है, हमने इसको क्या कर दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसको ऐसा काम करो। चलिए तो दूसरा सॉल्व हो जाएगा इससे। अच्छा कुछ नहीं है, पहला या दूसरा हम सॉल्व आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं तो हाइपरबोलिक वाला लगा देते हैं। हाइपरबोलिक वाला के कंडीशन में फिर ये चीजें आ जाएगा, बात समझ में आ रहा ना। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा हाइपरबोलिक वाला पहले लगा देते हैं। सीन्स देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। अब देखिए x के जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। इसको लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। बात यहाँ क्या बनता है कि कॉस हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा कॉस फाइव बटा कॉस अल्फा, पूरी क्या काम दे देंगे ऑल स्क्वायर देंगे, बीच में माइनस है, इस वाले के वैल्यू यहां से रखेंगे ये बना साइन फाइव बटा माइनस साइन अल्फा, ये हुआ होल स्क्वायर इक्वल टू वन। अब ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कॉस स्क्वायर फाइव बटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर फाइव बटा, यहां से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। ये दोनों चीजें का एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिला देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा ना, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा। सीधी सी बात है कि ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिए है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिला कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर फाइव। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा होगा ना अल्फा, तो ये अल्फा इक्वल टू इस वाले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, बात समझ में आ रहा ना। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि पहले क्या है कि साइन फाई है, क्या है साइन फाई, और इधर से क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब एंगल क्या है एक अल्फा है और एक साइन है, यहां भी वही है लेकिन दोनों क्या है साइन में, दोनों क्या है साइन में। तो हमने कहा कि यहां से कॉस को हटाना चालू कर दिया, तो ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये देखिए क्या है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। इस वाले को हमने क्या लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख दिए, ये क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा बीच में माइनस, इस वाले को देखिएगा तो साइन स्क्वायर फाइव को लिखेंगे क्योंकि इसमें फाइव है और यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इधर से भी क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा दोनों के हम लोग क्या करेंगे छोड़ दिए, इस वाले से गुणा कर देते हैं तो ये मिला साइन स्क्वायर अल्फा बीच में माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये मिला साइन स्क्वायर अल्फा माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव, ये माइनस माइनस बीच में क्या होगा प्लस, ये दोनों के हम लोग लिखेंगे तो होगा साइन स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। बात यहां बनता है कि ये दोनों तो बिल्कुल कट जाएगा, कटेगा देखिए सामने ए प्लस और ए क्या है ए माइनस और ए प्लस है तो कट जाएगा, आपके पास क्या मिला साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा। हमने इसको क्या किया कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू वन माइनस, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ले लेंगे, ठीक है, और इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा। बात यही बनता है कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर फाई है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिला साइन स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा ना,
तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर पावर फोर अल्फा मिलेगा। समझ में आ रहा चीजें? ये बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा होगा तो ये तो चार बनेगा क्या मोहन? समझ में आ रहा है ना? जो बचेगा उसको आप लिखिएगा। तो साइन स्क्वायर फाइव है तो माइनस साइन के पावर फोर क्या है? अल्फा है। देखिए ये माइनस माइनस बिल्कुल कट गया, तो आपके पास यही बना कि साइन अल्फा, पहले साइन फाइव लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर में आ जाएगा, तो इसको अंदर लेंगे साइन के पावर फोर अल्फा। देखिए रूट से बाहर आएगा तो पावर फोर है, पावर कितना है? फोर है, पावर फोर है तो उसका हाफ करना पड़ेगा, ये होगा साइन फाइव इक्वल टू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए पहला कंडीशन आ गया, साइन फाइव इक्वल टू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। बात समझ में आया कैसे? देखिए ये नंबर जो सिक्स हम लोग बनाते हैं, नंबर सिक्स के ही जैसा ये बनाया गया है। हम लोग कैसे सोचेंगे? यही सोच लिए कि इस वाले को कॉस, देखिएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, ये हाइपरबोलिक में चेंज किया, इसमें साइन आवेटा बीटा है तो इस वाले को आवेटा पहले लिखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगा, इस वाला रियल वाले को रियल के साथ किया और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी के साथ किए, हमने कहा किया एक बार कि कॉस हाइपरबोलिक बीटा निकाल दिए तो यहाँ भी साइन हाइपरबोलिक बीटा निकालेंगे तो ये बटा में माइनस पकड़ लेगा, यदि अगर हम कॉस यहाँ देते कॉस अल्फा निकालते हैं तो ये बटा में चला जाएगा, उसी तरह से साइन अल्फा निकालेंगे तो ये बटा में पकड़ेगा और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, दो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए पहले अगर हम कॉस हाइपरबोलिक वाला लगा देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, तो पहला आएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो दूसरा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम लोग इस वाले को लगा दिए कि पहला कंडीशन आ गया, बाकी देखिए इसको कुछ करना नहीं है, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर कर लिए और दोनों का एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। बात यहाँ बनता है कि केवल साइन में है, बात क्या बनता है? केवल साइन में है तो कॉस को हटाना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा देखिएगा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। हमने कॉस स्क्वायर फाइव को हटा दिया क्योंकि इसमें कॉस है ही नहीं, कॉस फाइव को हटाएंगे तो कॉस फाइव को हटाने के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया गया। अच्छा कॉस अल्फा है तो अल्फा यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया गया, बाकी इसको हम लोग गुना उना कर दिए, कट गया, जो बच गया उसको लिखे, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब अल्फा, फिर मल्टीप्लाई करके ये देखिए प्लस में ये भी प्लस में तो कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे माइनस माइनस कटा, साइन फाइव लिखेंगे तो ये पावर इस पर चला जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव हो गया, जो कि नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है वन। ठीक है, अब हम लोग नंबर क्या करेंगे, दूसरे की ओर चलेंगे, तब तक ये आप नोट्स कीजिए अपना। हाइपरबोलिक वाला रखने देते हैं, चलिए अब यहां देखिए नंबर टू वाला सोल्व करेंगे हम लोग ना, तो इसके बाद हम लोग यहां से लिखना चालू करेंगे सीन्स। एक और देखिएगा कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा, अच्छा उसको तो लगा दिया इस वाले को ना, सीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है? वन होता है ना। अब यहां से बताइए कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है? कॉस पाई बटा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ऊपर से स्क्वायर हो जाएगा बीच में प्लस हो जाएगा, इसके बाद साइन फाइव बटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा ऊपर से स्क्वायर इक्वल टू वन होगा। बात समझ गया है ना? इस वाले को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो
मिलेगा कॉस स्क्वायर फाइव बटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये मिला साइन स्क्वायर फाइव बटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस वाले को लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन ना। एक स्टेप यहां से कट करते, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बटा में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बटा वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ रहा ना, ये बना कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू, ये दोनों का गुना करके हम लोग इधर लिख सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका से सब बनता है जी मोहन, इसको देखिए सभी कोई, साइन फाई है देखिएगा क्या है, साइन फाई है और साइन हाइपरबोलिक है, अरे स्क्वायर है बीटा है अलग बात है, लेकिन साइन वाला बचल है केवल, तो यहां से कॉस वाले को बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे हटाना पड़ेगा। ये बताइए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर फाई, यहां से लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के ये है प्लस, ये देखिए क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा और यहां से देखिए क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक क्या है स्क्वायर बीटा, कहने के मतलब ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, इसको इधर लाएंगे तो माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, तो अगर x है तो यहाँ पे x होगा। अब बताइए a cos हाइपरबोलिक बीटा को हटाना पड़ेगा तो 1 प्लस क्या लिखना पड़ेगा sin हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू हो जाएगा cos हाइपरबोलिक और ये हुआ sin हाइपरबोलिक बीटा होगा, ठीक है इसको आप गुना करके देख लीजिएगा तो क्या मिलेगा sin हाइपरबोलिक बीटा, इससे गुना किया तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर फाइव साइन हाइपरबोलिक बीटा, इसको गुणा कर दिया हमने ठीक है और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए बात समझ में आ रहा है ना, और जैसे के तैसे इसको लिख देते हैं तो ये मिला कॉस स्क्वायर बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा, बात समझ में आ रहा है ना है? ये देखिए बिल्कुल ये आपका और ये वाला दोनों कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख देते हैं तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्मूला लगा देते हैं तो वन प्लस क्या मिलेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एच स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एच स्क्वायर बीटा, ये यहाँ पे देखिए एच का स्क्वायर तो कितना आएगा पावर फोर आएगा, तो एच कहने का मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है, बात समझ में आ रहा है ना, इस वाले को लिखेंगे साइन एच के पावर फोर बीटा, ये वाला बिल्कुल आपके पास कट जाएगा। देखो यहाँ भी वही चीजें हो रहा था, बात समझ में आ रहा है ना जी, अब इस वाले पावर को इस पर हम लोग बैठाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिला साइन फाइव इक्वल टू वंडर रूट, ये मिला साइन एच के पावर फोर बीटा। अब बताइए इसको निकालेंगे तो साइन फाइव ए माइनस प्लस मिलेगा साइन एच स्क्वायर बीटा, जो दूसरा आपका सोल्व हो गया, नंबर टू में यही बोला हुआ था जो बिल्कुल आ गया। देखिए नंबर जो सिक्स था ना, नंबर छह था, छह का ही जैसा था, बस यहाँ पे अल्फा और फाइव किया गया है और कुछ है नहीं इसमें ना। पहला फॉर्मूला हम लोग हाइपरबोलिक वाला निकाल देंगे तो हाइपर, देखिए जिसको इसमें हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला लगाइए, इसमें आपके पास हाइपरबोलिक है ना तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं है, क्या है अल्फा में दिया है तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना फिर भी वन देता है, बाकी कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू रखे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर के सॉल्व किए, हमने देखा यहाँ पे साइन फाई है और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है तो कॉस फाई को और कॉस हाइपरबोलिक को हटा दीजिए, जो कि ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लगा दिए हैं और बाकी सॉल्व किए कट उड़ गया, ये साइन फाई इक्वल टू माइनस प्लस साइन एच स्क्वायर बीटा आ गया, ये नंबर आपका टू कम्प्लीट हो गया।
एक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाइन को देखते हैं, आप इसको थोड़ा नोट्स कीजिए। देखिए ये नंबर नाइन है और नाइन का वन है, यही है ना। तो वन को तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बोला है कि साइन ए प्लस आवेटा बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आवेटा वाई है, अप्रोप्रिएट ए बोला हुआ है, डैडी किसी को ऐसे लिखा गया है। गिवन दैट, ठीक है, ए लिखा हुआ है साइन ए प्लस आवेटा बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आवेटा वाई है। बता दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे। थोड़ा देखिए आप लोग डरिए मत लगाने के लिए, पूरा लगाइए फॉर्मूला, बिल्कुल आपको सोल्व हो जाएगा। कॉस ए और क्या मिलेगा, साइन आवेटा बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आवेटा वाई आ जाएगा। पहले तो लगा करके सोचेंगे, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए इस वाले को हम लोग क्या करते हैं कि साइन ए, यहाँ पे हम लोग हाइपरबोलिक लिखेंगे और ए हो जाएगा कॉस ए, इसमें आवेटा पहले आ जाता है, ये लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक बीटा और यहाँ पे आवेटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस आवेटा। देखिए यहाँ पे इक्वेटिंग हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करते हैं। ये रियल है, ए भी रियल है, इसका मतलब हुआ कि साइन ए और ये हुआ कॉस बीटा इक्वल टू आ गया एक्स, एंड आवेटा से आवेटा खत्म हो जाएगा, तो कॉस ए ये मिला साइन बी हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू वाई होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे एक्स बटा क्या है, पावर न है, छोड़िए एक्स बटा कॉस हाइपरबोलिक है ना, इस वाले को हम लोग क्या निकालते हैं कि साइन ए बराबर एक्स बटा क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक बीटा लिखेंगे। इस तरह से भी इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर वाई बटा साइन हाइपरबोलिक बीटा लिख देंगे, क्लियर है ना। अब यहां से देखिएगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है कि नहीं होता है। अब बता दीजिए साइन ए का मान कितना है, एक्स बटा कॉस एच बीटा, ऊपर से क्या करेंगे स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसमें, बताइए। अच्छा साइन, हाँ चलिए साइन के लिखिए, कॉस के लिखिए, यहाँ पे वाई बटा क्या लिखेंगे, साइन एच बीटा, ऊपर से क्या होगा स्क्वायर इक्वल टू वन, वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। हमने क्या किया कि ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर कर लेते हैं, ये बताइए क्या मिला, ये मिला एक्स स्क्वायर बटा कॉस एच स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर बटा साइन एच स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होगा, वन हो जाएगा। हो गया सॉल्व हुआ। दूसरा बोला है कि इस वाले को ही ऐसे लिखा है डैडीज में कि एक्स स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर बीटा को लिखा क्या गया है, साइन स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर लिखा गया है। वन बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, वन बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वन बटा कॉस है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक, यानी कि लिखेंगे सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। वन बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे y का स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू वन। नंबर वन आपका कंप्लीट, समझ में आया। देखिए पहले क्या है, इस फॉर्मेट को देख लीजिए क्या दिया हुआ है, हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते थे, यहाँ पे आवेटा बीटा है, हाइपरबोलिक में चेंज किया, रियल वाले को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट वाले को एक तरफ, नहीं होगा तो यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर दिया हमने, इसके अकॉर्डिंग एक्स बटा कॉस हाइपरबोलिक बीटा निकाल दिए, उस तरह से यहां भी निकाल दिए ए वाला। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है,
थीटा ना हो करके ए है तो ए लिखेंगे, बाकी ए लोग निकाल दें। वन बाई कॉस रहता है तो उसको सेक लिखा जाता है, वन बाई साइन रहेगा तो उसको क्या लिखा जाता है, कॉस। जैसा एंगल वैसा काम कर दिया गया है। देखिए इस वाले को ऐसा सॉल्व हुआ था, लेकिन देखिए दो फार्मूला लगाना पड़ेगा, दो है ना तो दो फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, एक वो लग जाएगा, और एक क्या लगेगा हाइपरबोलिक वाला लग जाएगा, दोनों आ जाएगा। पहले देखिए सॉल्व कीजिए इसको, गिव एंड दैट x प्लस आवेगा y इक्वल टू क्या दिया है cos हाइपरबोलिक u प्लस आवेगा भी दिया है, ये क्या है। इस वाले को सॉल्व करते हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, ये हुआ cos a मतलब हाइपरबोलिक u, उसके बाद cos h आवेगा भी लिखेंगे, बीच में क्या होगा माइनस साइन हाइपरबोलिक यू, और इसमें लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक आवेटा भी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। इस वाले को हम लोग कॉस हाइपरबोलिक यू, इस वाले को एक फॉर्मूला होता है ना, ए वाला फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे, आवेटा आवेटा भी लिखा जाएगा। इस वाले में हम लोग क्या लिखेंगे साइन एच यू ना, इस वाले में हम लोग लिखेंगे माइनस आवेटा साइन आवेटा इंटू आवेटा भी, समझ गए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी कॉस आवेटा एक्स है, कॉस हाइपरबोलिक आवेटा एक्स, तो इसका फॉर्मूला ही होता है, देखिएगा कॉस होता है जैसे हाइपरबोलिक में होता है ना ये एक्स, इसको हम लोग आवेटा एक्स लिखते हैं, भी लिखते हैं, लिखते हैं। अब बताइए एच तो है, अगर इस वाले को ठीक है एच आवेटा भी है, ध्यान से देखिएगा एक्स का मान कितना है आवेटा भी है, तो हम इसको देखिए कॉस इतना को तो इतना लिख दिए ना, ये क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे, लिखेंगे ना इसमें आवेटा है हाइपरबोलिक हटा तक कितना आया एक आवेटा, यहां से हाइपरबोलिक हटाएंगे तो क्या आएगा आवेटा, उसके बाद क्या लिखा गया है एक्स, एक्स की जगह पर कितना है ये तो लिखा गया है, उसी तरह से साइन वाला में, लेकिन आगे क्या ले लेता है माइनस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हुआ कॉस हाइपरबोलिक यू, ये हुआ आवेटा इंटू आवेटा आवेटा स्क्वायर, आवेटा इंटू आवेटा आवेटा स्क्वायर, आवेटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन, तो ये माइनस भी हो जाएगा, होगा ना ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, आवेटा ये साइन होगा हाइपरबोलिक यू होगा, आवेटा इनटू क्या होगा आवेटा, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस वन, माइनस वन हम इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा साइन माइनस बी। देखिए फॉर्मूला होता है कॉस माइनस थीटा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, और ये होगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू आगे क्या लग जाएगा माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक यू कॉस भी पल, देखिए ए माइनस है इस वाला में क्या लगेगा माइनस, तो इस माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बताइए ना साइन हाइपरबोलिक की और साइन भी, इधर से क्या आ रहा था एक्स प्लस आवेटा वाई, देखिए ए रियल है और ए क्या है इसमें इमेजिनरी है, यहाँ भी रियल है और इमेजिनरी है, हम लोग क्या किए कि रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट वाले को अलग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ना। अब देखिए एक्स बराबर क्या मिला कॉस हाइपरबोलिक की कॉस भी मिला, एंड इसमें आवेटा से आवेटा खत्म, तो वाई बराबर क्या मिलेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक की साइन भी। अब यहां से देखिए हम लोग इसको देख करके यहां से निकालेंगे, इसमें हाइपरबोलिक है ना,
तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपरबोलिक के बटा में है, एक्स के नीचे है ना, तो यहाँ पे कॉस भी निकालेंगे। तो कॉस भी निकालेंगे तो ये इसके बटा में चलेगा कि नहीं चलेगा, आप ही लोग बता दीजिए। उसी तरह से अगर हम साइन भी निकालते हैं तो क्या होगा, वाई बटा माइनस साइन हाइपरबोलिक ई होगा। अब यहां से देखिएगा, आपका नीचे क्या है, कॉस भी है, अगर हम कॉस यहाँ पे क्या लिखेंगे, और भी लिख सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक ई बराबर एक्स बटा, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस भी, इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे तो ये मिलेगा साइन हाइपरबोलिक ई वाई बटा माइनस साइन भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानियां, कोई तकलीफें नहीं है ना क्या? तो ये चीजें आपको समझ में आ गया कि कॉस भी और साइन भी निकाल दिए, हाइपरबोलिक में भी निकाल दिए। अब हम लोग दोनों चलते हैं, दोनों एक ही बार तो सोल्व होगा नहीं, पहले एक का सोल्व करते हैं तब दूसरा हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, इसमें हाइपरबोलिक वाला है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीन से देखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। अब थीटा तो है नहीं, मेरे पास क्या है, भी है, क्या है, भी है, जिसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी इक्वल टू वन होता है। देख सकते हैं, जब थीटा थीटा है तो वन है, तो थीटा के जगह पर भी तो कर सकते हैं ना। कॉस बी का मान कितना दिख रहा है, देखिएगा कॉस बी का मान एक्स बटा कॉस एच यू ना, ऊपर से स्क्वायर। साइन बी का वैल्यू क्या है, तो वाई बटा माइनस साइन एच यू, ऊपर से क्या करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू वन। अब स्क्वायर करके देख लीजिए जी, तो एक्स स्क्वायर बटा क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और साइन का यहां से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर वन। चलिए, आपका पहला पार्ट तो हो गया। फिर देखें, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कौन सा, कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स वन होता है, ये भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। आपका एक्स तो नहीं है, क्या है, यू में है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एच स्क्वायर यू माइनस साइन एच स्क्वायर यू इक्वल टू वन होगा। कोई परेशानियां नहीं है, ये क्या है, एक्स बटा लिख सकते हैं इसके जगह पे, एक्स बटा क्या लिखेंगे, कॉस बी, ऊपर से क्या होगा, स्क्वायर, बीच में साइन एच यू का वैल्यू क्या है, वाई बटा माइनस साइन बी, ऊपर से क्या करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू वन। आप इसको स्क्वायर करके देख लीजिए, आया समझ में, ये क्या था, नाइन का दूसरा है, पहले जो दिया था उसको हमने लिख दिया यहाँ पे हाइपरबोलिक। ये देखिए फॉर्मूला हमने बार बार बताया है कि जब भी कॉस हाइपरबोलिक एक्स रहेगा तो कॉस आवेटा एक्स लिख दिया जाता है, बात समझ गया ना। लेकिन यहाँ पे पहले से एक्स की जगह पर देखिए क्या है, एक्स के स्थान पर आवेटा भी है, तो आवेटा भी है ना लिखेंगे जी, और इस वाले फॉर्मूला में तो आवेटा, अगर यहां से देखिएगा कॉस, ठीक है, ये क्या है, आवेटा में है, ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन है और इतना है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस आवेटा साइन हो जाएगा ना, और आवेटा इंटू आवेटा एक्स हो जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। माइनस माइनस प्लस होगा, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है, क्योंकि आवेटा इंटू आवेटा स्क्वायर माइनस वन, और साइन माइनस क्या होगा, भी तो आगे दे देगा माइनस, रियल वाले को रियल के साथ और इमेजिनरी वाले को एक साथ। हमने यहाँ पे एक बार कॉस भी निकाला, एक बार कॉस एच यू निकाल दिया, उसी तरह से इसमें निकाल दिए, पहला फॉर्मूला ये लगा दिए, दूसरा फॉर्मूला ये लगा दिए, तो नंबर आपका दोनों कंप्लीट हो गया।
देखिए 9 का 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग के, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बीटा इक्वल टू दे रखा है और बोला है कि प्रूव दैट 1 और 1 2 है। अभी जैसे प्रश्न था वही सेम टू सेम है, समझिए हल्का सा अलग है, आप पहले इसको सोल्व कीजिए पता चल जाएगा। गिवन दैट लिख लीजिए कॉस इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बीटा इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस बीटा फाई है ना। ये देखिए अगर कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा बराबर इधर हम ले चलेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। वही काम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बीटा इक्वल टू हमने इसको कॉस लिख दिया और इस वाले को थीटा प्लस बीटा फाई लिखा। ये बताइए अल्फा प्लस बीटा बीटा इक्वल टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया तो कॉस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस बीटा फाई माइनस साइन थीटा और ये साइन बीटा फाई हो जाएगा। फिर से ये देखें कि हाइपरबोलिक में चेंज हो रहा था, यहाँ पे कॉस थीटा ए क्या मिलेगा कॉस एच फाई मतलब हाइपरबोलिक होगा, ये मिला साइन थीटा, इस वाले में बीटा लग जाता है तो आगे लिखेंगे और साइन हाइपरबोलिक क्या होगा फाई होगा। ठीक है अब बताइए इक्वेटिंग किसको करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल वाले को एक तरफ इमेजिनरी वाले को एक तरफ। तो ये बताइए अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई और इस आई से आई गया तो बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। इसमें प्लस है इसमें माइनस है इसलिए माइनस करेंगे। देखिए दो फर्म यहां से निकालेंगे, एक बार हाइपरबोलिक में कर देते हैं तो इस वाले को अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू अल्फा बटा कॉस हाइपरबोलिक फाई, यहां से भी वही तो साइन थीटा इक्वल टू बीटा बटा साइन हाइपरबोलिक फाई मिलेगा। अगर और देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू अल्फा बटा क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, इसमें भी अगर हम लोग करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू बीटा वाई क्या आएगा साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना। चलिए पहले हम लोग क्या है देखिए हाइपरबोलिक में माइनस लगता है और साइन सर्कुलर फंक्शन होगा तो प्लस आता है, सिंस बताइए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है इसको लिख देते हैं, ये होगा अल्फा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस साइन थीटा का हम लोग इसको लिखेंगे स्क्वायर करके लिख देते हैं तो बीटा बटा क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू, पहला कंडीशन बिल्कुल आ गया ना। फिर देखिए ये होता है कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला देखिए निकाले हैं अल्फा बट्टा क्या लिखेंगे कॉस थीटा, अल्फा बट्टा कॉस थीटा की स्क्वायर बीटा बाई क्या करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, आएगा इस वाले को क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए पहले क्या है अगर इनवर्स है तो इनवर्स वाले को इधर ले चलेंगे तो इनवर्स खत्म होगा, बाकी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, बाकी हाइपरबोलिक में चेंज करके अल्फा और बीटा निकाल दिए कॉस थीटा भी निकाल दिया कॉस हाइपरबोलिक फाई भी निकाल दिए उसी तरह से इसमें निकाल दिए, एक बार ये फॉर्मूला एक बार ये फॉर्मूला दोनों आपका सॉल्व हो गया। ठीक है तो आज के क्लास में हम लोग देखे प्रश्न संख्या 8 का 2 था और 9 का हम लोग 3 तक चले हैं, 9 में कितना प्रश्न है जी मोहन, 9 में आपका 5 प्रश्न है जो अच्छा 5 नहीं है इसका नंबर देखिए 4 के बाद क्या है आपका फिर 3 4 5 थोड़ा नंबरिंग है मतलब ज्यादा है 7 प्रश्न है ना, तो हम लोग 9 का 3 प्रश्न देखे हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 9 का हम लोग 4 से देखेंगे तो आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्न संख्या 9 का 4 लेकर के आएंगे।